हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया है और सभी बोर्ड के लिए यहाँ मैं कट ऑफ लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस बोर्ड में क्या कट ऑफ गई, कहाँ सबसे ज़्यादा कट ऑफ है, कहाँ सबसे लो कट ऑफ गई। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सभी बोर्ड की कट ऑफ दिखाने वाला हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इलाहाबाद बोर्ड की कट ऑफ देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें जो कम्युनिटी में यू आर की जो कट ऑफ गई है वो गई है 74.5789। एससी की बात करते हैं 62.9684। एसटी की बात करते हैं 50.12207। और ओबीसी एनसीएल की जो कट ऑफ गई है 69.78740। और इलाहाबाद बोर्ड में सबसे ज्यादा फॉर्म इलाहाबाद में बोर्ड में ही पड़ा था। ई एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो इसमें यू आर की जो कट ऑफ थी 40.00081। एस सी की बात करते हैं 32.55328। एस टी की बात करते हैं 33.86401। और ओ बी सी एन सी एल की बात करते हैं 30.04608। और सी ए यानी कि जो रेलवे में कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए जो वैकेंसीज थी उनकी जो कट ऑफ गई है वो गई है 41.16811। और एस सी की बात करते हैं 30.71590। एस टी की बात करते हैं 36.44781। ओ बी सी एन सी एल की बात करते हैं 30.34260। यानी कि दोस्तों जो आपकी इलाहाबाद जोन की जो कट ऑफ गई है वो अच्छी खासी कट ऑफ, ठीक ठाक कट ऑफ गई है। इसमें इसमें फॉर्म भी काफी पड़ा था। सबसे ज्यादा फॉर्म अगर पड़ा था वो इलाहाबाद जोन में ही सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ा था। अब हम लोग बैंगलोर बोर्ड की कट ऑफ देख लेते हैं कि बैंगलोर बोर्ड की कट ऑफ क्या रही थी। तो देख सकते हैं कम्युनिटी में यू आर जो कट ऑफ थी 62.01694। ओ बी सी की बात करते हैं 56.60285। एस सी की बात करते हैं 49.65250। एस टी की बात करते हैं 48.78495 कट ऑफ गई है। ई एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं 40.23986। ओ बी सी की बात करते हैं 30.06408। एस सी की बात करते हैं 30.04608। एस टी की बात करते हैं 35.40327। और जो रेलवे में कार्यरत कर्मचारी है उनकी जो कट ऑफ गई है यू आर की गई है 42.59145। ओ बी सी की बात करते हैं 31.08919। एस सी की बात करते हैं 30.71590। और एस टी की बात करते हैं 32.20906। अब हम लोग देखते हैं अजमेर बोर्ड की कट ऑफ क्या गई है। तो देख सकते हैं अजमेर बोर्ड में सबसे ज्यादा कट ऑफ जनरल की गई है 73.73073। ओ बी सी की बात करते हैं 70.10507। एस सी की बात करते हैं 63.37549। एस टी की बात करते हैं 60.62978। और ई एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं 40.20650। ओ बी सी की बात करते हैं 30.025439। और एस सी की बात करते हैं 30.43971। और एस टी की बात करते हैं 30.35898। जो रेलवे में कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए जो कट ऑफ है 40.04823 यू आर की। ओ बी सी की बात करते हैं 30.34260। और एस सी की बात करते हैं 30.34260। और एस टी की बात करते हैं 32.58236। ये तो हो गई आपकी अजमेर बोर्ड की कट ऑफ। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेलवे ने 1 लाख जो आपकी वैकेंसी है 1 लाख वो आरआरसी के माध्यम से की जाएंगी। यानी 1 लाख वैकेंसी आपकी ग्रुप डी की आने वाली है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी आप अपनी अच्छे से करिए। इस बार नहीं, चलिए अगली बार सही तैयारी अच्छे से कीजिए, आप सिलेक्शन ले सकते हैं इस बार भी। अब करते हैं कोलकाता बोर्ड की, जो कोलकाता बोर्ड की जो कट ऑफ है वो क्या गई है। देख सकते हैं कम्युनिटी में यू आर की यानी जनरल की जो कट ऑफ गई है 80.57238। बहुत ही ज्यादा कट ऑफ गई है। ओबीसी की बात करते हैं 71.77651। एस सी की बात करते हैं 71.60480। एस टी की बात करते हैं 55.76072। ये तो हो गई एस टी की। अब करते हैं ई एक्स सर्विसमैन यू आर में यानी जनरल की जो कट ऑफ गई है ई एक्स सर्विसमैन की 40.01368। ओबीसी की बात करते हैं 30.16633। और एस सी की बात करते हैं 30.00703। एस टी की बात करते हैं कोई भी नहीं।
जो रेल कर्मचारी रेलवे में कार्यरत हैं उनकी जो कट ऑफ गई है यूआर की यानी जनरल की 40.04823, ओबीसी की बात करते हैं 30.34260, एससी की बात करते हैं 31.08919, इसकी कोई कट ऑफ नहीं रही एसटी की। तो ये तो होगी आपकी कोलकाता बोर्ड की कट ऑफ। अब हम लोग सिकंदराबाद बोर्ड की कट ऑफ देख लेते हैं। तो सिकंदराबाद की जो कट ऑफ है कम्युनिटी में यानी जनरल की यूआर की 69.79887, ओबीसी की बात करते हैं 65.69349, एससी की बात करते हैं 59.96240, एसटी की बात करते हैं 56.68657। अब ईएक्स सर्विस मैन की बात करते हैं तो जनरल की बात करते हैं 40.00159, ओबीसी की बात करते हैं 30.00360, एससी की बात करते हैं 30.39356, एसटी की बात करते हैं 31.07779। ये तो हो गया ईएक्स सर्विसमैन का। अब जो कर्मचारी रेलवे में कार्यरत हैं उनकी जो कट ऑफ गई है वो क्या गई है, यूआर की बात करते हैं 40.42153, ओबीसी की बात करते हैं 30.34260, एससी की बात करते हैं 30.34260, और एसटी की बात करते हैं 31.94469। ये तो हो गई आपकी सिकंदराबाद बोर्ड की कट ऑफ। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो इस कट ऑफ के आधार पर वो अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बिलासपुर की जो कट ऑफ थी वो क्या रही है इस बार। तो बिलासपुर की जो कट ऑफ है कम्युनिटी में देखते हैं यूआर एन जनरल की कट ऑफ रही है 70.22887, ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की जो कट ऑफ रही है 66.079770, और एससी की बात करते हैं 59.98198, एसटी की बात करते हैं 52.73928। अब ई एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो ई एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है यूआर की 40.04764, ओबीसी की बात करते हैं 30.07200, और एससी की बात करते हैं 31.01847, और एसटी की बात करते हैं 30.44739। और जो व्यक्ति रेलवे में कार्यरत हैं उनकी जो कट ऑफ है जनरल की 40.4823, और ओबीसी की बात करते हैं 30.34260, और एससी की बात करते हैं 30.71590, और एसटी की बात करते हैं 30.34260। ये तो हो गई आपकी बिलासपुर की कट ऑफ। मैं उन बच्चों को फिर से बोल देना चाहता हूं कि रेलवे अभी यानी 14 से 15 तारीख के बीच में रेलवे 1 लाख जो वैकेंसी है वो आरआरसी के माध्यम से ग्रुप डी की वैकेंसी निकालने वाला है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो तैयारी दोबारा कर सकते हैं। इस कट ऑफ के आधार पर आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि 2019 में ये बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी अच्छे से कीजिए, 15 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर बोर्ड की जो कट ऑफ थी कम्युनिटी में यानी जनरल की जो कट ऑफ 73.86679, ओबीसी की बात करते हैं 69.13033, एससी की बात करते हैं 60.82752, एसटी की बात करते हैं 55.83808। अब हम लोग करते हैं ई एक्स सर्विसमैन की बात। तो ई एक्स सर्विसमैन में जनरल की जो कट ऑफ थी 40.04823, ओबीसी की बात करते हैं 30.40393, एससी की बात करते हैं 30.51015, एसटी की बात करते हैं 34.32121। ये तो हो गई आपकी ई एस सर्विसमैन की कट ऑफ। अब बात करते हैं जो एम्प्लॉय रेलवे में कार्यरत हैं उनकी जो कट ऑफ है वो रही है यू आर या जनरल की 40.79482, ओबीसी की बात करते हैं 30.34260, एससी की बात करते हैं 31.46248, एसटी की बात करते हैं 31.46248। ये तो हो गई आपकी भुवनेश्वर बोर्ड की कट ऑफ। अब देखते हैं गुवाहाटी बोर्ड की कट ऑफ क्या रही है। तो देखिए गुवाहाटी बोर्ड की जो कट ऑफ है कम्युनिटी में जनरल की 77.09933, ओबीसी की बात करते हैं 72.22287, एससी की बात करते हैं 67.39113, एसटी की बात करते हैं 57.0728। अब ई एस सर्विसमैन की बात करते हैं तो यू आर की जो कट ऑफ है यानी जनरल की 40.86204, ये तो हो गई जनरल की। ओबीसी की बात करते हैं 30.45276, एससी की बात करते हैं 31.28844, ये हो गई एससी कट ऑफ। अब एसटी की बात करते हैं तो एसटी की जो कट ऑफ है 31.4680। अब जो एम्प्लॉय पहले से ही रेलवे में कार्यरत हैं उनकी जो कट ऑफ है यूआर की जनरल की 40.42153, ओबीसी की बात करते हैं 30.34260,
एससी की बात करते हैं 30.34 260, और एसटी की बात करते हैं 31.83 57। ये तो हो गई आपकी गुवाहाटी बोर्ड की कट ऑफ। अब देखते हैं पटना बोर्ड की कट ऑफ। तो पटना बोर्ड की कट ऑफ जो है वो कम्युनिटी में जनरल की 77.00 350, ओबीसी की बात करते हैं 72.51 232, एससी की बात करते हैं 61.64 224, एसटी की बात करते हैं 58.03 04। ये तो हो गई आपकी एसटी कट ऑफ। अब देखते हैं ई एफ सर्विसमैन की कट ऑफ क्या रहने वाली है। यूआर की बात करते हैं जनरल की 40.19 724, ओबीसी की बात करते हैं 30.05 174, एससी की बात करते हैं 33.04 063, एसटी की बात करते हैं 30.94 074। अब जो एम्प्लॉय रेलवे में पहले से ही कार्यरत है उन्हीं कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। तो यूआर की कट ऑफ 40.04 823, ओबीसी की बात करते हैं 30.34 260, एससी की बात करते हैं 30.715 90, एसटी की बात करते हैं 37.43 518। तो ये तो हो गई आपकी पटना बोर्ड की कट ऑफ।